अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट सॉस सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बनाएंगे तो घर में बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलें ये मज़ेदार से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से वाइट सॉस सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी। आंच मैंने हल्की रखी हुई है, तो मेल्ट करेंगे बटर को। बटर मेल्ट हो गया, अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। हल्की आंच पे पकाइएगा इसको। अगर हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए आंच मैंने हल्की रखी हुई है। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं। देखिए मैंने इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने हल्की रखी हुई है। 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए इन चीज़ों को। मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है 1 मिनट के लिए। मैं इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करूंगी। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। इसको हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। चमचा चलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना बने। सॉस को पकते हुए 5 मिनट हो गए, देखिए थिक होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। ये मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ इसको, चिकन पाउडर को। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट पकाया है। ये देखें सॉस बन के तैयार हो गई है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा रनी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सॉस ठंडी हो गई है, अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। जिन लोगों को मेयोनीज पसंद नहीं है वो इसके सैंडविच बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून गाजर ऐड करूंगी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। एक कप श्रेडेड चिकन है, इसको ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, इन
के ऊपर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, अच्छी तरह से लगाना है आपको। बहुत मजेदार सैंडविच बनके तैयार होते हैं, आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आप मिक्सचर बना के रख लीजिए और बच्चों को तैयार करके दे दीजिए। ये देखिए मैंने इस पे मिक्सचर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब स्लाइस उठाएंगे और उसको कवर कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले हैं। मैं इसी तरह सैंडविच बना रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनको निकाल दीजिएगा। कटिंग कर देते हैं। जबरदस्त से सैंडविच बनकर तैयार हो गए, मज़ेदार से सैंडविच बनकर तैयार हो गए। मैंने इनको केचप के साथ सर्व किया है। आपको जो सॉस पसंद हो आप उसके साथ इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।